मेष कार्यक्षेत्र के लिए समय अनुकूल हो सकता है। नौकरी पेशा लोग स्विच करना चाह रहे हैं तो समय अच्छा है। फायदा और सफलता दोनों मिलेगी। बिजनेस में भी फायदे वाला समय है। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। बड़े सौदे और लेन देन में किस्मत का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कामों में भी फायदा होने के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। लोन लेना पड़ सकता है लेकिन समय से चुका भी देंगे। सरकारी कामकाज में सावधान रहे। पेनल्टी या किसी प्रकार का चालान भुगतान करने के योग बन रहे हैं। कुछ यात्राओं में नुकसान होने की संभावना है। सोचे हुए कुछ काम पूरे नहीं होने से दुखी भी हो सकते हैं। साथ काम करने वाले कुछ लोगों से सावधान रहे। कोई धोखा देने की कोशिश भी कर सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। सेहत संबंधी सावधानी रखें। लापरवाही ना करें। जोड़ों में दर्द हो सकता है। लिवर में किसी तरह की तकलीफ भी होने की संभावना बन रही है। किसी तरह का इन्फेक्शन या दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। उपाय: लोहे का बर्तन और काला कपड़ा दान करें। वृश्चिक: नौकरी पेशा लोगों के काम काज या काम करने की जगह में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। बदलाव सोच समझ कर करे तो ही अच्छा है। अचानक कोई फैसला ना ले वरना बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। शोध, नई खोज, आविष्कार या किसी तरह का नया काम करने का मन बन सकता है। कोई नया काम या तरीका शुरू कर सकते हैं। नई योजनाएं बनेंगी और उन पर काम भी होगा। नए प्रयोग भी कर सकते हैं, इसमें सफल भी होंगे। आर्थिक स्थिति को लेकर संघर्ष हो सकता है। इनकम बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा काम भी शुरू कर सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। शेयर, कमोडिटी आदि में पैसे लगाने से बचें। गैर कानूनी कामों से दूर रहे। आंख, कान, नाक और गले संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है। पेट संबंधी रोग भी होने की संभावना बन रही है। कोई पुरानी तकलीफ भी बढ़ सकती है। किसी तरह का ऑपरेशन होने के भी योग बन रहे हैं। किसी के साथ गुप्त संबंध बनने के कारण दाम्पत्य जीवन में कलह होने के योग बन रहे हैं। परिवार, करीबी लोगों या जीवन साथी से दूर होने की संभावना बन रही है। पैतृक संपत्ति आपके हाथ से निकल सकती है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैसला इन दिनों में ना लें और यदि लेना ही पड़े तो सोच समझ कर लें। कोटकचहरी के मामलों में आखिरी फैसला भी हो सकता है। उपाय: हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक लगाएं। मिथुन: पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के लिए समय ठीक नहीं है। धैर्य रखेंगे तो ही फायदा होगा वरना परेशानी बढ़ सकती है। राजनीति या सामाजिक कामकाज करने वाले लोग सावधान रहे। बेवजह आरोप लगने के योग बन रहे हैं। शेयर, कमोडिटी या सट्टेबाजी से दूर रहे। शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में ना फंसे। कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत करने से ही मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ मामलों में आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। माता की सेहत को लेकर टेंशन और दौड़ भाग वाला समय रहेगा। शनि के कारण नई जगह पर रुने का मूड बन सकता है। दाम्पत्य जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। पत्नी के कारण भाग्य वृद्धि हो सकती है। अविवाहित लोगों के विवाह में और देरी होने के योग हैं। आपके व्यवहार में बदलाव आ सकता है। सोच समझ कर बोले। खर्चे बढ़ सकते हैं। असामंजस्य की स्थिति भी बनेगी। जीवन साथी और पिता की सेहत खराब हो सकती है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इनके स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रहेंगे। कुछ अप्रिय घटनाओं के भी योग बन रहे हैं। घुटने में दर्द हो सकता है। विवाह के योग्य जातकों के लिए शनि रुकावटें पैदा करेगा। परिवार में कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है। परिवार का कोई सदस्य आपका विरोध कर सकता है। मकान लेने का विचार बना रखे हैं तो सफलता मिल सकती है। उपाय: कुत्तों को रायती डालें और पक्षियों को अनाज खिलाएं। कर्क: नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में परेशानी आ सकती है। कुछ लोगों की साझेदारी टूट भी सकती है।
इन दिनों में कर्जे से मुक्ति मिल सकती है। बिजनेस में दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। अधिकारियों से अनबन या भस होने के भी योग बन रहे हैं। फालतू खर्चों से बचे। लोन लेना चाह रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। कुछ खास काम काज में देरी होने के भी योग बन रहे हैं। परिवार के साथ किसी मुद्दे पर मतभेद बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ विवाद होने के योग हैं। कानूनी विवादों में सफलता मिल सकती है। पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। सेहत का ख्याल रखें। विदेश यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। आपको स्वास्थ्य संबंधी शिकायत होने की संभावना है। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी होने की संभावना है। भाइयों के साथ लेन देन में सावधानी रखें। कर्क राशि से शनि गोचर में छठे भाव में होंगे। छठा भाव रोग दुख ऋण शत्रु इत्यादि का भाव है, अतः आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ेगी। कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। कमर से निचले हिस्सों में तकलीफ होने की संभावना है। घुटने में दर्द हो सकता है। चोट लग सकती है। उपाय, हर शनिवार शनि मंदिर में बादाम चढ़ाएं। सिंह, नया बिजनेस करना चाहते हैं तो साझेदारी का ऑफर मिल सकता है। आप धन लाभ की चिंता से परेशान रहेंगे। आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन धीरे धीरे अतः धैर्य से कोई काम करें। नौकरी पेशा लोगों को टेंशन हो सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को नुकसान होने की संभावना बन रही है। बड़ा जोखिम न उठाएं। लव मैरिज के योग बन रहे हैं, हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी। प्रेम प्रसंग के लिए समय अच्छा है। आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। कार्यस्थल पर सम्मान और शोहरत मिल सकती है। खुद पर गर्व भी होगा। इस दौरान आप नौकरी छोड़ने का भी मन बना सकते हैं। छोटे मोटे झगड़े और विवादों की वजह से पारिवारिक रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। इन दिनों में फालतू पैसा खर्च ना करें। बैंक या अन्य संस्था से लिया हुआ लोन चुका देंगे। सेहत के मामले में थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। कंधे में दर्द हो सकता है। आंख तथा पेट को लेकर कोई ना कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। लिवर संबंधी समस्या हो सकती है। पेट संबंधी और रोग भी होने के योग हैं। गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को भी संभल कर रहना होगा। उपाय, गाय या भैंस को पके हुए चावल खिलाएं। कन्या, निवास स्थान बदलने और किसी नई जगह पर शिफ्ट होने के बारे में सोच सकते हैं। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। गुस्से पर नियंत्रण रखें। मानसिक रूप से शांत रहने की कोशिश करें। कामकाज ज्यादा होने से खुद के लिए समय नहीं मिल पाएगा। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। प्रॉपर्टी संबंधी बड़े और खास फैसले इन दिनों में लेने पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के सोचे हुए समय से पूरे हो सकते हैं। अधिकारियों से भी मदद मिल सकती है। माता की सेहत को लेकर सावधान रहे। इन दिनों में कर्जा लेने से भी बचना चाहिए। म्यूचुअल फंड, शेयर, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी आदि मामलों में संभल कर निवेश करना होगा। लालच ना करें। अनुभवी की सलाह से ही निवेश करें। जोखिम लेने से भी बचना होगा। पुराने दुश्मन आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। पुराने विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले सुलझ सकते हैं। हार्ट पेशेंट संभल कर रहे। सिर और आंखों में दर्द हो सकता है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। माता पिता की सेहत को लेकर टेंशन बढ़ सकती है। एक्स्ट्रा अफेयर से बचने की कोशिश करें। मकान, वाहन और पैतृक संपत्ति के मामलों में रुकावटें आ सकती हैं। संतान सुख मिलने के योग हैं। उपाय, शनिवार तक हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर लगाएं। तुला, साढ़े साथी से छुटकारा मिलेगा। परेशानियों से राहत मिल सकती है। आपके लिए समय शुद्ध है। दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। इन दिनों में मेहनत का पूरा फायदा आपको मिलेगा। अपने काम को लेकर आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इन दिनों में आप बड़े फैसले ले सकते हैं। छोटे भाई बहनों से परेशानी जरूर हो सकती है। इससे मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। यात्रा की संभावना बन रही है। धन लाभ की भी संभावना बन रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में खर्चे बढ़ने से परेशानी हो सकती है। आमदनी के हिसाब से खर्चा करें। आपको कुछ अच्छे मौके भी मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं।
उनमें आपको फायदा भी होगा। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों को बहुत से मामलों में किस्मत का साथ मिल सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। फायदा देने वाले कुछ फैसले अचानक हो सकते हैं। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। लवर या जीवन साथी से संबंध खराब होने की संभावना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। उपाय: काले कपड़े में उड़द और चमेली का तेल रखकर दान करें। वृश्चिक शनि के कारण पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है। झगड़े और विवाद की स्थिति भी बन सकती है। परिवार से दूर हो सकते हैं। नौकरी और बिजनेस में एक्स्ट्रा मेहनत से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। करियर में आगे बढ़ने का कोई बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। इन दिनों में इनकम तो होगी, लेकिन आप मुश्किल से ही पैसा बचा पाएंगे। फालतू खर्चा भी बढ़ने की संभावना है। पैसों के मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। परिवार में कोई शुभ काम हो सकता है। रिश्ते निभाने में सावधानी रखनी होगी। प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। जमीन या मकान खरीद सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। छोटी छोटी बातें बढ़ सकती हैं। घर में तनाव बढ़ सकता है। लव लाइफ में भी गलतफहमी के कारण रिश्ता बिगड़ सकता है। नौकरी और बिजनेस में सोच समझकर ही कोई बड़ा फैसला लें। किसी भी तरह के निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ सकती हैं। इन दिनों में आपको पद और सम्मान भी मिल सकता है। सेहत में सुधार हो सकता है, लेकिन छोटी मोटी चोट या दुर्घटना की संभावना जरूर बन रही है। संभल कर रहना होगा। उपाय: कुत्तों और कौवों को रोटी खिलाएं। धनु: इन दिनों में आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। आप अपने पराक्रम के दम पर बिजनेस बढ़ाएंगे। साझेदारी का कोई काम जरूर कर सकते हैं। इन दिनों में सेविंग और इनकम बढ़ाने के कुछ अच्छे मौके भी आपको मिल सकते हैं। नौकरी और बिजनेस में किए गए प्रयासों से आपको फायदा हो सकता है। बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। मानसिक तनाव और परेशानी बढ़ सकती है। सेहत के मामले लापरवाही ना करें। कामकाज ज्यादा होने से टेंशन बढ़ सकता है। बिना सोचे समझे बोलने से काम बिगड़ सकते हैं। शनि के कारण आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल सकता है। सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा। मानसिक तनाव और थकावट भी महसूस होगी। धर्म और आध्यात्म में विश्वास बढ़ सकता है। दाम्पत्य सुख में कुछ कमी आ सकती है। गलतफहमी हो सकती है। जीवन साथी को सेहत संबंधी समस्या हो सकती है। जीवन साथी की सेहत संबंधी समस्या भी परेशान कर सकती है। नाक, कानगला, आँख आदि संबंधी तकलीफ हो सकती है। किडनी और शुगर की भी जांच करवा लें। उपाय: हनुमान जी के पैरों का सिंदूर सिर पर लगाएं। मकर: आपके शनि की साढ़े साथी शुरू हो गई है। हानि की संभावना बन रही है। खर्चा बढ़ सकता है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। दूर स्थान के लोगों से मुलाकात होगी। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कानूनी मामले और विवादों में भी उलझ सकते हैं। नौकरी या बिजनेस में बदलाव हो सकता है, जिससे आपकी तकलीफ और बढ़ सकती है। जरूरी कामकाज में रुकावटें और देरी होगी, लेकिन काम पूरे जरूर होंगे। इन दिनों में आपको धैर्य रखना होगा। नहीं चाहते हुए भी कर्जा लेना पड़ सकता है। गैर कानूनी कामों से दूर रहें, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझ सकते हैं। धार्मिक कामकाज में रुचि बढ़ सकती है। कोई बुरी खबर मिल सकती है। कुछ बड़े फैसले लेने में परेशानी हो सकती है। आपके घर या ऑफिस में काम करने वालों को चोट लग सकती है। सेविंग खत्म हो सकती है। आपके कामकाज में बदलाव हो सकता है। पैसा डूबने के योग बन रहे हैं। सोच समझ कर निवेश करें। उधारी से बचें। सेहत संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आंख, कान, नाक, मुंह और दांत संबंधी तकलीफ हो सकती है। पुराने रोग भी परेशान कर सकते हैं। ऑपरेशन होने की भी संभावना बन रही है। उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें। कुत्तों को रोटी खिलाएं।
कुंभ नौकरी और बिजनेस के लिए समय अच्छा है। आपके कामकाज में बदलाव हो सकते हैं। कुछ फैसलों को लेकर मानसिक तनाव भी हो सकता है। आपके लिए मेहनत वाला समय भी है। आपकी आमदनी लगातार बढ़ेगी। कार्यस्थल पर आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बेहतर जिंदगी को लेकर जो प्लानिंग आपके की थी उस पर काम शुरू हो सकता है। एक्स्ट्रा इनकम के योग भी बन रहे हैं। म्यूचुअल फंड, इंटरनेट, शेयर, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी आदि से धन लाभ के योग बन रहे हैं। मेहनत और कार्य कुशलता के दम पर आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। छोटे भाई बहनों की सेहत बिगड़ सकती है। आपको भी कोई पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। प्रेम संबंधों के मामलों में आपको सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से शनि की स्थिति खराब नहीं है। पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। सर्दी, खांसी और जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है। संतान के मामले में परेशानी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को संभल कर रहना चाहिए। लव लाइफ में गलतफहमी हो सकती है। उतारा चढ़ाव वाला समय है। संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद है तो उसे सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिल सकती है। आपको मान सम्मान मिलेगा। उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक लगाएं। मीन शनि के कारण आपके कामकाज की गति धीमी हो सकती है। नौकरी और बिजनेस में जल्दबाजी और जोखिम भरा कोई फैसला ना लें। नया कामकाज शुरू करने से पहले किसी अनुभवी से जरूर बात करें। अधिकारियों से नौकरी पेशा लोगों का विवाद हो सकता है। नौकरी या आपके कामकाज में बदलाव होने की संभावना बन रही है। बिजनेस में नए लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। पुराना निवेश फायदा जरूर देगा लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम। इन दिनों में आपको पेट और आँखों से संबंधित समस्या हो सकती है। जोड़ों के दर्द और पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने के योग है। माता की सेहत को लेकर भी परेशान हो सकते हैं। मकान, वाहन या किसी तरह की संपत्ति पर आपका खर्चा हो सकता है। इन दिनों में आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में आपको अपने व्यवहार पर कंट्रोल करना होगा। साथी पर बेवजह गुस्सा ना करें। बेरोजगार लोगों के लिए समय अच्छा है। नौकरी या बिजनेस शुरू हो सकता है। उपाय: शनिवार को उबलते हुए पानी में थोड़े चावल बहाएं, चाय पत्ती दान करें।